हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं साइंस के गुरुजी आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। ये हम पढ़ रहे हैं क्लास सिक्स्थ साइंस का पार्ट फोर। इस पार्ट में हम आपके इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। जैसे पार्ट थ्री के लास्ट में मैंने आपसे पूछा था कि हनी प्लांट सोर्स है या एनिमल सोर्स, तो मैंने बताया था आपको कि हनी प्लांट सोर्स नहीं है, तो हनी फिर क्या है? हनी है एनिमल सोर्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1.5, व्हाट डू एनिमल्स ईट? डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ? अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गॉट? यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल्स ईट्स। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड? व्हाट अ स्क्विरल, पीजन, लीजार्ड और अ स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड। सो जैसे हम इस पैरा की हेडिंग को ही देख सकते हैं, वो है व्हाट डू एनिमल्स ईट, तो हम समझ जाएंगे कि जानवर क्या खाते हैं। अब अगर हमारे घर में कोई भी जंगली जानवर है या कोई पालतू जानवर है और हम उसका ख्याल रखते हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि हमें पहले से पता होता है। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे डॉग, कैट, बफेलो, गॉट, ये नॉर्मली सभी के घरों में होता है, तो हमें पहले से इस चीज़ की जानकारी होती है कि ये जानवर क्या खाते हैं। और अगर हम देखते हैं जैसे और भी कुछ जानवर है जिनको पाला नहीं जाता नॉर्मली, जैसे छिपकली हो गई, गिलहरी, आपका कबूतर हो गया, तो इन सब जानवरों को और कीड़ों को, पक्षियों को भले नहीं पालते हैं हम, लेकिन हमें जानकारी होती है कि ये क्या फूड खाते है। तो इस पैराग्राफ में हमें ये पता चल रहा है और जानकारी मिल रही है कि जो भी जानवर हम जिन्हें पालते हैं, जो डोमेस्टिक है और जो वाइल्ड है, वो खाते क्या है। देखते हैं आगे। एक्टिविटी 6, सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5। फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज ऑल्सो गिवन। फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। एक्टिविटी 7 में जैसे आप देख सकते हैं टेबल 1.5 में एनिमल्स एंड देयर फूड, तो इसमें नेम ऑफ द एनिमल दिया है, मींस यहाँ पर एक लिस्ट दी है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स के नाम दिए हैं, और हमें अपने से उसमें लिखना है कि कौन सा एनिमल कौन से फूड्स को या एनिमल्स को खाता है। तो देखते हैं, जैसे पहला एक एग्जाम्पल लिखा है बफेलो, तो बफेलो क्या खाती है? ग्रास, ऑयल केक है एंड ग्रेन्स। यहाँ पर है का मीनिंग होता है सूखी घास और ऑयल केक का मीनिंग होता है जो खली यूज़ करते हैं हम उनको खिलाने के लिए। उससे जैसे देखते हैं कैट के लिए, कैट खाती है छोटे एनिमल्स को, बर्ड्स को और मिल्क को। अगर हम रैट की बात करेंगे तो रैट इंसेक्ट्स को खाता है और दूसरे छोटे छोटे एनिमल्स को। अगर हम लॉयन की बात करेंगे तो लॉयन कार्निवरस होता है, लॉयन बड़े बड़े एनिमल्स को खाता है। टाइगर की बात करेंगे तो टाइगर भी कार्निवरस होता है, ये भी बड़े बड़े एनिमल्स को खाता है। हम बहुत सारे एनिमल्स लिख सकते हैं, जैसे बफेलो हो गया, अगर रैट, कैट, काउ, एनीथिंग वी कैन राइट, कोई सा भी बड़ा एनिमल लिख सकते हैं। स्पाइडर के केस में अगर हम बात करेंगे तो स्पाइडर एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, एक जाल बनाता है जिसमें वो कोई से भी छोटे छोटे कीड़े, जैसे मॉस्किटो हो गया, वहाँ पर छोटी छोटी मक्खियाँ फ्लाइज होती है, वो सब उसमें फंस जाती है और ये उन्हें खा लेते हैं। अगर हम घर में पाई जाने वाली छिपकलियों की बात करेंगे जिन्हें हम बोलते हैं हाउस लिजार्ड, तो ये भी छोटे छोटे कीड़ों को खाने का काम करती है। आपने कई बार देखा होगा एक लाइट का बल्ब जलता है, उसके आसपास में बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं और वो इन्हीं खाने का काम करती है। उसी तरीके से और भी एग्जांपल है तो आप इन्हें फीड कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं। प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1, दीज आर कॉल्ड हर्बीवोरस। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स प्लस दीज इन ग्रुप 2, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्लस देम इन ग्रुप 3, दीज आर कॉल्ड ओमनीवोरस। प्रिपेयर अ टेबल एज इन टेबल 1.6 एंड एंटर दीज सेपरेटली इन द 3 कॉलम्स एज शोन।
इस पैराग्राफ में हमें यह जानकारी मिल रही है कि तीन प्रकार के, तीन कैटेगरी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं, जिनमें पहली कैटेगरी होती है हार्बीवोरस। जैसे उनके नाम से ही समझ में आता है, हार्बीवोरस का मीनिंग होता है जो शाकाहारी हो, जो केवल प्लांट्स को, प्लांट सोर्सेस को और वेजिटेबल्स को ही खा सकता है। दूसरा एग्जांपल इन्होंने दिया है कार्निवोरस, जो कि ग्रुप टू में आएंगे। कार्निवोरस का मीनिंग होता है मांसाहारी, जो केवल मांस खा सकता है, ये प्लांट्स को और वेजिटेबल्स को नहीं खा सकते हैं। तो हार्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों अलग अलग कैटेगरी हो गई। अब हम तीसरी कैटेगरी की बात करेंगे, वो है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस कैटेगरी, जैसे इसमें जो स्टार्टिंग में आ रहा है वर्ड ओमनी, ओमनी वर्ड का मीनिंग ही होता है बोथ, बोथ से मीनिंग है। ये जो एनिमल्स इस कैटेगरी में बिलोंग करेंगे वो प्लांट्स भी खा सकते हैं और वो मीट भी खा सकते हैं। तो ओमनीवोरस ऐसे एनिमल्स है जो दोनों खा सकते हैं। इस तरीके से आपको टेबल 1.6 दिया है, इसमें कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है, जैसे हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। हार्बीवोरस में आपको टेबल 1.5 में जितने एनिमल्स थे उनमें से कुछ लिखने हैं। जैसे काऊ पहले से लिखा था तो हम यहाँ लिख सकते हैं, और भी चीज़ें लिखी जा सकती है, जैसे काऊ, बफेलो, गॉट, जितने भी हार्बीवोरस से प्लांट ईटर्स हैं उनके नाम इस हार्बीवोरस की लिस्ट में आएंगे। जैसे हम कार्निवोरस देख सकते हैं, इस कार्निवोरस में भी डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स आएंगे, जैसे लायन, टाइगर, स्पाइडर, हाउस लिजार्ड, ये सब कार्निवोरस होते हैं, ये प्लांट्स को नहीं खा सकते। अब हम ओमनीवोरस की लिस्ट देखेंगे तो डॉग, कैट, ह्यूमन, क्रो, बियर, ये सब किसके अंदर आएंगे? ओमनीवोरस, क्योंकि ये प्लांट भी खा सकते हैं और मीट भी खा सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। वी नो दैट देयर आर मेनी अमॉन्ग्स अस हु डू नॉट गेट सफिशियंट फूड। वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी ग्रोन इन द कंट्री। दैट विल नॉट बी इनफ। वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर that this food is made easily available to each and every one of us। इस पैराग्राफ से हमको ये जानकारी मिलती है कि जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे आसपास में कितनी सारी पॉपुलेशन है और कितने सारे लोग हैं। अब हर एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त खाना हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो हमें कुछ इस तरीके के मेथड्स का यूज़ करना चाहिए जिससे हर एक व्यक्ति के लिए फूड उपलब्ध हो पाए। और कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम है, सब तक खाना नहीं पहुंच पाता, इस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जा सकता है? तो हमें कुछ ऐसी मेथड्स यूज़ करना होगी जिनकी हेल्प से हम हमारे कंट्री की जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है उनको आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा फूड डेवलप करेंगे, जितना ज़्यादा फूड में ग्रोथ होगी, उतने ही ज़्यादा लोगों तक खाना पहुंच पाएगा। तो इस चैप्टर में हमने देखा, लेट्स टेक अ क्विक रिव्यू। पहले हमने फूड वैरायटी के बारे में देखा, उसमें हमने खाने के भाग, इंग्रेडिएंट देखे, फिर हमने फूड के सोर्सेज देखे, एनिमल सोर्स और प्लांट सोर्स, फिर हमने ये देखा कि कौन से प्लांट के पार्ट एटिबल, इडिबल या खाने योग्य, ईटेबल है या नहीं, फिर हमने स्प्राउटेड सीड्स के बारे में देखा, उसके बाद हमने नेक्टर और हनी प्रोडक्शन के बारे में देखा, उसके बाद हमने एट लास्ट ये देखा कि एनिमल क्या क्या खाते हैं और उनकी कौन कौन सी कैटेगरी होती है। तो सबसे लास्ट में हमने देखा कि एनिमल में तीन कैटेगरी होती है, हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। तो आपका चैप्टर 1 ख़त्म हुआ बच्चों। अब आप मेरा इंतज़ार कीजिए, जल्द से जल्द मैं आपका चैप्टर 2 भी लेकर आता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर, लाइक।